आज का हमारा वीडियो जो कि हमारी बाइक के ऊपर है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस बाइक की माइलेज अभी तक कितनी है, 90,000 किलोमीटर पे अभी तक कितनी माइलेज दे रही है बाइक, ठीक है। और सेकंड बार जो कि हमारे यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू है जो कि इसके ऊपर, और थर्ड जो कि यहाँ पे हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस जो कि इस बाइक के ऊपर कैसा है अभी तक का। इसको अभी मतलब 8 साल हो गए इस बाइक को यहाँ पे, तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब क्या मतलब इस बाइक में आज तक मतलब मैंने चेंज किया है, क्या क्या जो कि इसकी कमियाँ हैं, क्या क्या इसकी जो कि खूबियाँ हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं फिर। तो हेलो गाइस, अब हम जो कि अपना यहाँ पे फर्स्ट जो कि हमारा यहाँ पे टॉपिक है इस बाइक के ऊपर जो कि यहाँ पे माइलेज का, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ। तो जैसे हम जैसे रफ ड्राइविंग करते हैं, तो हम तो कैसे, मैं तो मतलब हर टाइम मतलब रफ ड्राइविंग करता हूँ जैसे कि, तो उसमें ये मुझे एवरेज दे देती है जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। आप इकोनॉमी में चलोगे तो यहाँ पे 45 तक जो कि आपको ये एवरेज दे सकती है, ठीक है। 45 उससे ऊपर का मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट 45 तक जो कि यहाँ पे आपको इकोनॉमी में चलोगे तो उसकी एवरेज दे सकती है, ठीक है गाइज। तो हेलो गाइज, जो कि अब मैं यहाँ पे आपको सेकंड जो कि बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मेरी बाइक 91,000 जो कि यहाँ पे चल चुकी है, और इसकी कंडीशन जो कि आप यहाँ पे देखोगे, मीटर को देखोगे, फुल कंडीशन जो कि आप यहाँ पे इसकी देख रहे हो तो काफ़ी अच्छी है अभी तक जो कि मैं बोली, यहाँ पे 8 साल यहाँ पे जो कि इसको हो चुके हैं। और इसके अभी तक मैंने मतलब काफ़ी पार्ट जो कि यहाँ पे चेंज करवा चुका हूँ, जो कि यहाँ पे जैसे अपना टायर बोल सकते हो आप, ये हेडलाइट बोल सकते हो आप, जैसे कि इसके साथ ही अपना चेन सेट बोल सकते हो, टायर मैंने 2 बार बोल दिया, चेन सेट आप इसका बोल सकते हो। टायर मैंने यहाँ पे 3 बार चेंज करवाया, 30,000 के पास करवाया था, बीच में मैंने मिशलिन का डलवाया था, वो बड़ा जल्दी मतलब ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद जो कि अब मैंने यहाँ पे रालको का डलवाया, ये भी ख़त्म होने वाला है पीछे वाला टायर, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पर तब तक हम आपको यहाँ पे बता दें कि भाई ये जो कि बाइक मतलब काफ़ी अच्छी है, इसका जो कि मेंटेनेंस ज़्यादा है भाई, पल्सर की मेंटेनेंस जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, चेन सेट सबसे ज़्यादा जाता है। हम 3-4 बार यहाँ पे जो कि चेन सेट जो कि हम चेंज करवा चुके हैं, वही ये कोई 25 के आसपास पहली बार जो कि यहाँ पे हमने चेन सेट डलवाया था। तो एक और बात जो कि मैं बताना चाहता हूँ इसके जो कि ऑनेस्ट रिव्यू में, कि यहाँ पे इसके जो क्या मैंने यहाँ पे शॉकर्स, फ्रंट शॉकर्स जो कि मैंने यहाँ पे चेंज नहीं करवाया आज तक, इनको सिर्फ मैंने इनमें जो कि इनका शॉकर ऑयल होता है वो डलवाया था, इसकी जो कि वेसल्स थी वो चेंज की थी, और बैक पीछे वाले शॉकर्स में यहाँ पे मैंने जैसे कि अभी तक जो कि यहाँ पे पीछे वाले शॉकर मैंने चेंज नहीं किए हैं, अभी करवाने हैं, वजह सर्विस इसके 92,000 पे इसकी जो कि यहाँ पे सर्विस आएगी वहाँ पे जो कि मैं इसके यहाँ पे शॉकर्स चेंज करवाऊंगा। गाइस यहाँ पे एक सबसे जो कि मेजर प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे पल्सर 220 की जो कि यहाँ पे मुझे दिखी है वो है यहाँ पे जो कि वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशन जो कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, तो वाइब्रेशन जो कि यहाँ पे इस पार्ट में जो कि ये पूरा पार्ट आगे का काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन जो कि आने लगी थी मुझे बीच में, तो फिर मैंने खुद ही घर पे जो कि खुद वाइब्रेशंस को जो कि यहाँ पे डबल टेप काफ़ी ज़्यादा जो कि जुगाड़ लगा के वाइब्रेशन को मैंने जो कि ख़त्म किया था। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो कि यहाँ पे वाइब्रेशन के ऊपर जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये टेल लाइट जो कि यहाँ पे सबसे जो कि यहाँ पे जो कि साउंड करती है जो कि पल्सर 220 की, तो ये गाइस मैं यहाँ पे ये 2 या 3 बार जो कि यहाँ पे मैं चेंज करवा चुका हूँ, वो भी सिर्फ वाइब्रेशन के इशू के कारण, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कि साउंड आती थी पीछे, तो हल्की फुल्की जो कि यहाँ पे वाइब्रेशन जो कि बाइक में है, तो भाई 8 साल भी हो चुके हैं बाइक को, तो हल्की फुल्की वाइब्रेशन तो बनती है वैसे भी, पर जिस हिसाब से जो कि मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ, तो फिलहाल बंदे मुझे बोलते हैं कि यार बाइक आपने काफ़ी न्यू रखी हुई है, तो बस यही है भाई कि मतलब है तो काफ़ी अच्छी बाइक है वैसे। तो यहाँ पे एक और बात यहाँ पे जो कि इसके जो कि टायर्स जो कि मैंने यहाँ पे चेंज किए थे, तो टायर्स का जो कि नंबर्स मैंने चेंज कर दिया था यहाँ, तो यहाँ पे जो कि मैं टायर का आपको बता रहा था, यहाँ पे जो कि पहले पल्सर में टायर आता था जो कि यहाँ पे कंपनी से 1917, तो आगे का मैंने यहाँ पे 100 किया हुआ है, 100, 90 और 17, तो पीछे वाला यहाँ पे आता था 120, उसके साथ 80 कुछ ऐसा आता था, पर मैंने यहाँ पे ये 140 किया हुआ है, तो ठीक है, काफ़ी बड़ा भी नहीं दिखता है, काफ़ी छोटा भी नहीं दिखता है, पहले वाला जो कि कंपनी वाला थोड़ा छोटा होता है, तो उसी के साथ जो कि यहाँ पे मैंने जो कि बाइक को हल्की फुल्की जो कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो कि यहाँ पे दे चुका हूँ, हल्की फुल्की देख सकते हैं आप, तो बनता है यार इतना छोटा मोटा, तो ये मैंने खुद जो कि यहाँ पे ये किया हुआ था पीछे का टेल टाइडी वगैरह का, तो देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है वैसे तो ये साइड लुक से, तो काफ़ी बेहतरीन जो कि यहाँ पे ये दिखती है बाइक, देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन। तो गाइस यहाँ पे अब बात करने का जो कि यहाँ पे टाइम आ चुका है जो कि इसके यहाँ पे राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मतलब 90,000 किलोमीटर जो कि हम यहाँ पे इसको चला चुके हैं,
तो इसका जो कि राइडिंग एक्सपीरियंस जो कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा है, जो कि यहाँ पे इसकी ब्रेक्स हैं, जो कि इसके टायर्स हैं, जो कि इसका हैंडल है ना, इसके हैंडल जो कि यहाँ पे मतलब सब बोलते हैं कटिंग कम है, बट जो मतलब यहाँ पे इसका जो कि भाई मतलब इसका एक्सपीरियंस ले चुका है ना बाइक का, वो बंदा नहीं बोलेगा कि भाई इसकी जो कि कटिंग कम है। इस बाइक को चलाने का अलग ही मजा है, कॉर्नरिंग काफ़ी अच्छे से होती है, कटिंग वगैरह सब हर एक चीज़। सबसे मेन बात इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, हैंडल देखिए आप यहाँ पे आके इसका काफ़ी कितना अच्छा हैंडल। तो यहाँ पे हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल कितना मतलब अच्छा है दिया गया इसको यहाँ पे, यही तो सबसे ज़्यादा मेन यहाँ पे जो कि करता है भाई यहाँ पे मैटर। तो गाइस यहाँ पे मतलब आपको बताऊँ मैं राइडिंग एक्सपीरियंस में भी कि यहाँ पे मैं इस बाइक को काफ़ी दूर दूर तक लेके गया हूँ, मतलब काफ़ी गंदे गंदे रोड्स पे, काफ़ी जो कि यहाँ पे जैसे आपको बताऊँ मैं तो ऑफ रोड इसके साथ भाई जो कि थार से होता है ना वो मैं पल्सर से ही करता हूँ, और ये मानती नहीं है भाई, मतलब दे दबा दब भाई चढ़ जाती जहाँ भी चढ़ाना भाई इसको। तो काफ़ी अच्छी बाइक है, और एक जो कि यहाँ पे जो कि था इसका डिसएडवांटेज जो कि मैंने आपको बताया, जो कि वो भी मेन जो कि वो भी वाइब्रेशंस का था, बाकी तो भाई ये बाइक मानती नहीं है। आज भी आप इसको देख रहे हो, 8 साल हो गए भाई इस बाइक को, तो कैसी दिख रही है आपको वीडियो में पता लग रहा होगा। तो एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ इसके जो कि मेंटेनेंस में, कि यहाँ पे हम इसको मोट्यूल का जो कि यहाँ पे ऑयल डालते हैं इसको, इंजन ऑयल जो कि 2050 फुली सिंथेटिक जो कि यहाँ पे इसमें हम डालते थे, तो इंजन इसका काफ़ी अभी तक बढ़िया है वैसे तो इंजन में ज़रा भी साउंड नहीं है वैसे तो, आपको मैं अभी स्टार्ट करके बता देता हूँ, हल्की फुल्की आएगी वो तो आएगी फिर पल्सर में, तो भाई इंजन की साउंड हल्की फुल्की होती है, पर वैसे कोई मेजर साउंड नहीं है इसमें, देख सकते हैं आप जैसे कि अब देख सकते हैं वैसे इसमें कोई साउंड नहीं है, मेजर साउंड तो कोई नहीं है वैसे, हल्की फुल्की जो कि पल्सर में आपको पता है साउंड आती रहती है, बाकी तो इसमें कोई इंजन में साउंड नहीं है। काफ़ी अच्छी बाइक रखी अब तक मैंने, मेंटेन करके रखी हुई है, देखती तो चलते हैं, टाटा बाय बाय। अगर किसी ने अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी हमारा एक और वीडियो आ रहा है जो कि यहाँ पे पहाड़ी स्टंटर्स के ऊपर जो कि आएगा, देखते हैं कब तक आता है, वैसे आ जाएगा 2-3 दिन में वो भी इसके बाद। तो पहाड़ी स्टंटर्स यहाँ पे काफ़ी जो कि यहाँ पे हल्का फुल्का स्टंट वगैरह करके गए हैं, तो देखते हैं उस वीडियो में, फिर चलते हैं, बाय बाय टाटा।